मटन स्ट्यू बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत कम मसालों से। इसके लिए हमने मटन को 250 ग्राम धोकर रख लिया है। इधर हमने अदरक पीस लिया है, ये लहसुन पिसा हुआ है। यहाँ पर हमने 1 किलो के करीब प्याज काटी है मोटी मोटी और 4-5 हरी मिर्चें। देखिए इतनी मोटी काटी, ज़्यादा ना पतली काटनी है ना ज़्यादा मोटी। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 2 तेज़पत्ते और ये थोड़े से जायफल, जावित्री के फूल हैं, 4 लौंगे। ये जायफल का इतना सा पीस है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है और 6-8 काली मिर्ची और आधी बड़ी इलायची, 2 टमाटर, 3 बड़े चम्मच दही। हमने यहाँ 3 चम्मच कफगीर, इसी कफगीर से तेल दिया है, 3 कफगीर तेल। उसमें हमने 30 पत्ता डाला पहले, सफ़ेद इलायची पाउडर, जायफल, जावित्री, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, सबको डालकर सौते किया, घी क्रैकल हो गए। तो हमने प्याज काटी भी डाली जिनको हमने मोटा मोटा काटा और हरी मिर्ची भी उसी के साथ डाल दी। प्याज हरी मिर्ची को थोड़ी देर चलाया अब इसमें हमने मटन डाल दिया, अदरक लहसुन डाल दिया, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक डाला, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च डाली, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 2 टमाटर, 3 बड़े चम्मच दही, 3 बड़े चम्मच इसे खड़े मसालों का गोश्त भी कहते हैं, इस मटन स्ट्यू कहें या खड़े मसालों का गोश्त। हमने सीटी लगाई, 3 सीटियों में हमारा मीट गल गया है, लेकिन हमने इसमें देखिए बिल्कुल पानी नहीं डाला था, इतना पानी है। अब हम इसको पानी को सुखाएंगे तो ये भुन भी जाएगा सालन। जब तक पानी ना सूखे तब तक इसको चलाकर भूनना है। देखिए पानी सूख गया, हमारा पूरा पानी सूख गया, मटन भुन गया, हमारा मटन स्ट्यू तैयार। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ।